एक सन्यासी सारी दुनिया का भ्रमण करके भारत वापस लौटा। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने सन्यासी से मुलाकात की और कहा, स्वामी जी, 20 वर्षों से मैं एक प्रश्न निरंतर पूछ रहा हूं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? सन्यासी ने कहा, निश्चित दूंगा। आज तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे, पूछो। राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं उनसे सीधा मिलना चाहता हूं। मेरी उनसे सीधे मुलाकात कराओ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर में? राजा ने कहा, शायद आप समझे नहीं, मैं परम पिता परमेश्वर से मिलने की बात कर रहा हूं, किसी ईश्वर नाम वाले व्यक्ति से नहीं, जो आप कह रहे हैं कि अभी मिलना है या थोड़ी देर में। सन्यासी ने कहा, भूलने की कोई बात नहीं, मैं तो 24 घंटे परमात्मा से ही मिलाने का धंधा करता हूं। अभी मिलना है या थोड़ी देर बाद, सीधा जवाब दें। 20 साल से मिलने को बेचैन हूं और आज वक्त आ गया है तो मिल ही लो। राजा ने कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं मिलना चाहता हूं, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपा करके इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन हो। राजा ने लिखा अपना नाम, परिचय, अपनी उपाधियां और सन्यासी को दी। सन्यासी कागज को पढ़कर बोला, महानुभाव, ये सभी बातें मुझे झूठ और असत्य मालूम होती हैं जो आपने कागज पर लिखी। मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा? राजा ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूं। सन्यासी ने कहा, तो एक बात तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। सुनो, आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो हूं हूं, राजा होकर जो हूं, भिखारी होकर भी वही होऊंगा। ना होगा महल, ना होगा राज्य, ना होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं। सन्यासी ने कहा, तो तय हो गई दूसरी बात, राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए तो भी तुम बदलते नहीं। ये बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा, 50 वर्ष। सन्यासी ने कहा, तो क्या 60 वर्ष के होकर तुम कोई और हो जाओगे? 30 वर्ष या जब बच्चे थे तब क्या तुम कोई और थे? राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। सन्यासी ने कहा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय ना रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय ना रहा, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो पहुंचा दूंगा भगवान के पास, नहीं तो मैं झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा बोला, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई।
उसे तो मैं भी नहीं जानता फिर जो मैं हूं, उसे तो मैं नहीं जानता, इन्हीं को मैं जानता हूं मेरा होना, सन्यासी ने कहा। फिर बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलाना चाहता है। तो जाओ पहले इसको खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे कह देता हूं कि जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में वह भी जान लिया जाता है जो कि परमात्मा है।